हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज बास्केट। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई चौपाटी चाट स्पेशल रगड़ा पैटीज की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप सफेद मटर या व्हाइट पीज लिए हैं। इसे आप 10 से 12 घंटों के लिए या रात भर भिगो ले। 10 से 12 घंटों बाद ये व्हाइट पीज या सफेद मटर कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इस पानी को फेंक दे और इसमें ऐड करें फ्रेश पानी। अब इसमें डालें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक और इसे मिक्स कर लें। और इसे अब प्रेशर कुकर में डालें और 5 से 6 सीटी होने दें। यहाँ पे मटर अच्छे से कुक हो गए हैं। यहाँ पे मैंने मटर को छान लिया है और इसका पानी हम रगड़ा बनाते समय यूज करेंगे। अब पैटीज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू। आलू को अच्छे से मैश कर ले और इसमें डालें 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और डालें नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और इसके अब पैटीज बना ले। थोड़ा सा आलू का मिक्सचर ले और इसे पैटीज का शेप दे दे। इसी तरह सभी मिक्सचर से पैटीज बना ले। अब यहाँ पे थोड़ा बारीक रवा ले ले और पैटीज को दोनों साइड से रवा से कोट कर ले। यहाँ पे मैंने सारे पैटीज बना लिए हैं। अब एक नॉनस्टिक तवे पे ऑयल डालें और अब पैटीज को तवे पे रखें और इसे दोनों साइड से अच्छे से शैलो फ्राई कर लें। बहुत ज्यादा ऑयल ना डालें। अब इसे 3 से 4 मिनट बाद इसे फ्लिप करें और दूसरी साइड से भी सेक लें। ऊपर से अगर जरूरत हो तो आप थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। अब पैटीज बनके रेडी है। ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है। चलिए अब हम रगड़ा बना लेते हैं। रगड़ा बनाने के लिए एक कढ़ाई में डालें 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालें 1 टीस्पून जीरा। अब डालें 1 चुटकी हींग। अब इसमें ऐड करें बारीक चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब डालें 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। अब प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालें 1 मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर और इसे अच्छे से मिला लें। अब टमाटर कुक होने के बाद इसमें डालें 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और अब डालें उबले हुए सफेद मटर और इसे अच्छे से मिला लें। अब डालें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक और जो उबले हुए सफेद मटर का पानी जिसे मैंने छान लिया था वो इसमें डालें और अब रगड़ा की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें। इसे अब ढककर 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक कर लें। 4 से 5 मिनट बाद रगड़ा को अच्छे से मिला लें।
रगड़ा बनके रेडी है। चलिए अब रगड़ा पैटीज को सर्व करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट में रखे 3 से 4 पैटीज ऊपर से डाले गर्मा गर्म रगड़ा, थोड़ी सी मीठी दही, इमली की चटनी, थोड़ा सा प्याज और अब डाले बारीक सेब और डाले चॉप की हुई धनिया पत्ती। रगड़ा पैटीज बनके रेडी है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।